और प्लीज एक बार जोरदार क्लैप हो जाए। थैंक यू सो मच। आप सभी तमाम स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं सोहन झा फ्रॉम राइट, इस बात से एग्री हैं? Yes, sir. क्या इस सेशन को लेने के लिए आप रेडी हैं? आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड। जैसे मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूं, तो शिक्षक दोनों तरीके का, कुछ बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं और कुछ बच्चे रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी आते हैं, जिसको आप कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, राइट? जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, एनडीए हो गया, या यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, या तमाम और भी जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं, उन सारे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एक नई सोच लेके गांव की पृष्ठभूमि से कहां पहुंचते हैं, पटना एस, जहां जिसे एजुकेशनल हब भी कहा जाता है, राइट? तो आप भी तो उसी शहर में, आप भी तो वर्तमान में उसी शहर में है। और ये बहुत फख्र की बात है कि बिहार की राजधानी पटना में इस संस्था से जुड़ के आप अपने देश और अपने समाज का नाम रोशन करने जा रहे हैं। अगर अब तक पहले से प्लान नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो काफी सुनहरा होने वाला है। क्योंकि अभी के बताए गए बातों को अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने जीवन में, तो डेफिनेटली सफलता आपकी कदम चूमेगी। क्या आप सफल होना चाहते हैं? Yes, क्या अपने जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं? Yes, क्या अपने पर्सनैलिटी को डे बाय डे इंप्रूव करना चाहते हैं? Yes, क्या लोगों के बीच में रह के समाज सेवा करना चाहते हैं? Yes, क्या सरकार ने जिस विश्वास के साथ आप पे विश्वास किया है, जिस उम्मीद के साथ आप पे विश्वास किया है, क्या सरकार और समाज को आप रिटर्निंग देंगे? Yes, क्योंकि ये आपकी शरीर, ये राष्ट्र का क्या है, संपत्ति है। आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ खुद की रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, आप अपने राष्ट्र के प्रति क्या है, जिम्मेदार है, आप राष्ट्र के प्रति क्या है, समर्पित है। खुद को बचाना और खुद को सर्वाइव करना, खुद को जीरो लेवल से टॉप लेवल पे ले जाना भी क्या है, समाज सेवा है, देशभक्ति है, राइट? बॉर्डर पे तो सेना जाते हैं और बहुत सारे छातियों पे गोली खाते हुए दुश्मनों पे क्या करते हैं, वार करते हैं, वो भी एक अलग प्रकार का क्या है, राष्ट्रभक्ति है। लेकिन ये भी किसी राष्ट्रभक्ति से कम नहीं, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो, चाहे आपका डेवलपमेंट में जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों का मेरा नमस्कार। थैंक यू।